तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है बीकानेर हरिद्वार गीता गंगा एक्सप्रेस की, जो कि वाया चूरू हिसार पानीपत अंबाला के रास्ते चलती है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 14717 बीकानेर हरिद्वार गीता गंगा एक्सप्रेस, जो सप्ताह में 3 दिन है, सोमवार बुधवार था शुक्रवार को बीकानेर से हरिद्वार के बीच चलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके ट्रेवल टाइम की, तो यह बीकानेर से हरिद्वार के बीच 755 किलोमीटर यात्रा लगभग 15 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 17 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में लगने वाले कोच की, तो इसमें ICF रेक श्रेणी के 3rd AC स्लीपर क्लास तथा जनरल क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों इस ट्रेन की टिकट हम हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पे जाकर एक बार अवश्य चेक कर लें। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की, तो इसमें बीकानेर से हरिद्वार के बीच गाजियाबाद लोको शेड का Wave 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों बीकानेर हरिद्वार गीता गंगा एक्सप्रेस जो बीकानेर जंक्शन से रात को 11:25 पे रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है नापासरे, 11:46 पे पहुंचते 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है श्री डूंगरगढ़ 12:20 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:22 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे राजलदेसर 12:53 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे रत्नगढ़ जंक्शन 1:15 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 1:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे चूरू जंक्शन 1:55 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 2 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सादुलपुर जंक्शन 2:40 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 2:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे हिसार जंक्शन 4:20 पे तथा 25 मिनट के ठहराव के बाद 4:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे भिवानी 5:40 पे तथा 25 मिनट के ठहराव के बाद 6:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे कलनौर कलां 6:30 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:32 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे रोहतक जंक्शन 7:25 पे तथा 3 मिनट के ठहराव के बाद 7:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे पानीपत जंक्शन 9:30 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:32 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे करनाल 9:55 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:57 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे कुरुक्षेत्र जंक्शन 10:20 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:22 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे अंबाला कैंट जंक्शन 2:11:40 पे तथा 25 मिनट के ठहराव के बाद 12:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सहारनपुर जंक्शन 1:10 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 1:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे रुड़की 1:52 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। तथा इसके बाद पहुंचे हरिद्वार 2:03 तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।